आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। उमरिया जिले की मानपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बचहा की भरोली ग्राम में स्थित प्राचीन ऐतिहासिक पहाड़ी में भगवान बुद्ध व अन्य समकालीन देवी देवताओं की प्राचीन प्रतिमा व अन्य खंडित अवशेष मिले हैं। ग्रामीणों ने 12 नवंबर 2024 को साय में बौद्ध उपासकों को यह जानकारी दी कि कुछ प्रतिमाएं देखने को मिली है जो कि बुद्ध के जैसे प्रतीत होती है। इसके पश्चात क्षेत्रीय बौद्ध उपासकों द्वारा उस पहाड़ी में व आसपास जाकर खोजा तो पहाड़ी के पूर्व दो स्थानों में पेड़ों लताओं से ढककर बनी हुई गुफा में विश्वगुरु तथागत बुद्ध की प्रतिमा स्पष्ट रूप से देखी गई है। इसके पश्चात उपासकों ने पत्रकार बंधुओं को बुलाकर स्थल को दिखाया। वहां पहुंचकर पत्रकारों ने ग्रामीणों से बातचीत की जिसमें अन्य ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि यह बहुत प्राचीन प्रतिमा है जो कहीं पहले खुदाई में प्राप्त हुई थी, लेकिन कोई जानता नहीं था कि ये किनकी मूर्तियां हैं। यहाँ समस्त ग्रामवासी वैदिंद माता विरासिन बेजासिन माता के नाम से पूजा अर्चना करने चले आते हैं और जो मान्यता है वो मांगी जाती है वह हमेशा पूर्ण होती चली आ रही है। इसके पश्चात स्थानीय सरपंच पति श्री राम कृपाल साहू को उक्त जानकारी पता चली तो वह पुष्प और मिष्ठान लेकर वहाँ तत्काल पहुंची व प्रतिमा को पुष्प भेंट व उपस्थित लोगों के बीच मिष्ठान वितरित कर खुशी व्यक्त किया है के लिए स्थान दिया जाए, यही हमारा कर्तव्य है। बौद्ध विहार बनाया जाए जी। और लोगों द्वारा हमको बताया, बड़ा उत्साह हुए। हमने बरही में थे जी, तो हमको जब बताया तो हमने वहाँ फूल माला लेके जो भी उनके लिए वो था वो लेके हम लोगों के साथ शामिल हुए जी। आगे आगे और आप अपने ग्राम पंचायत के अंदर, चूंकि इसके बाजू से एक सिद्ध महाराज की पहाड़ी है जी, उससे लगी कुछ शासकीय भूमि भी है और भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा अलग अलग जगह बिखरी भी है जी, तो इसके विषय में आप अपने ग्राम सभा में अपने पंचों के साथ और क्या करना चाहेंगे थोड़ा सा बताएं। इसमें अपन ग्राम सभा से मीटिंग लेके जी और इनकी प्रतिमा की स्थान की जानकारी देंगे जी, और कोशिश करेंगे अपन जहाँ शासकीय भूमि उनका जगह वहीं स्थान दिया जाएगा। और शासन प्रशासन से भी यही निवेदन करेंगे कि भाई आप हमारे ग्राम पंचायत में जो इसे मूर्ति मिली है उनका सब कोई सहयोग करे जी। बहुत हमारा बहुत सर, आपका नाम? राम कृपाल साहू, सरपंच पति। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जी सर, हमने ये देखा सुना कि आज यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, ग्राम के लोग, और ये कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध की ये प्रतिमा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जी? क्या कहना चाहेंगे आप सर? ये बड़े सौभाग्य का विषय है जी कि जिसको हमारा पूरा भारत सरकार जिस दिशा में अपने आप को गौरवान्वित समझते हुए पूरे विश्व के भ्रमण में ये कहा जाता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं जी, आज हम सभी क्षेत्रीय जन गौरवान्वित हैं कि हमारे ही क्षेत्र में भगवान बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा को जो कि यहाँ के क्षेत्रीय भाषा में या क्षेत्रीय जानकारी में अन्य मूर्तियां के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज हमें पता चला तो हमारे क्षेत्रीय के सभी लोग आए, बौद्ध धर्म उपासक आए, और इससे ये पता चला जो प्रतिमा बयान कर रही है इससे बिल्कुल स्पष्ट है जहाँ की देख करके कि विश्व गुरु तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। और हमारा सबका प्रयास और शासन से यही हमारी मांग है कि ऐसे विश्व धरोहर को, इस स्थान को इस ऊँचाई पर ले जाया जाए जिसकी खोज पूरा भारत के पुरातत्व विभाग कर रहा है जी। आपका नाम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं रामकेश राय बौद्धाचार, ग्राम मुड़गुड़ी निवासी हूं और जिला उमरिया जी, जिला उमरिया जी, और बस तथागत बुद्ध के खोज में लगे हुए हैं। और यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई जी कि हमारे ही क्षेत्र में बुद्ध विराजमान है, तो ये बड़े खुशी की बात है। और शासन प्रशासन से हम यही मांग करते हैं जी कि ऐसी धरोहर को अपनी संज्ञानता में लेते हुए इस स्थान को संरक्षित करने का कष्ट करें जी। एक बार पुनः नाम जानना चाहेंगे? राम केश राय बौद्धाचार।